सत श्री अकाल जय मसीह की। तो कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल कीप ग्लोइंग पे। मैं हूँ शैलेंद्री। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच। तो आज का जो वीडियो है वो टॉपिक किस टॉपिक पे होने वाला है ये तो आपको समझ में आ गया होगा टाइटल देख के। तो हाँ, मैंने कुछ एक क्रेजी से बड़े ही फनी पिक्चर्स जो है वो रिक्रिएट करे हैं प्राजक्ता कोहली मोस्टली सेम के। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली पिक्चर है ये, इसमें उन्होंने चश्मा पहना हुआ है और एक स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और अपने हाथों से बालों को उठाया हुआ है। तो मेरे पास कोई भी ब्लू कलर की टी शर्ट नहीं थी तो मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करके रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं कैसी है हमारी रिक्रिएटेड पिक्चर। कैसी लगी पिक बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और जो हमारी दूसरी पिक है वो है ये, इसमें उन्होंने तीन पिक्चर्स को पकड़ा हुआ है और एक प्यारी सी स्माइल दे रही है, बड़ी प्यारी लग रही है उसमें। तो मैंने भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, बट हाँ, ये जो पिक थी ये ब्लैक एंड वाइट नहीं थी, मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट किया है। तो चलिए देखते हैं हमारी रिक्रिएटेड पिक्चर। ओके, सो द थर्ड पिक्चर इज माय फेवरेट, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो उन्होंने सुदीप सर को ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे, और उनका रिएक्शन, तो मैंने पापा को बुलाया, मेरे पापा को बोला पापा प्लीज ना मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लो। तो उन्होंने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरे पास वाइट कलर का टॉप था जो मैंने अभी पहना हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये पहना और बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि सुदीप सर के बाल नहीं है और पापा के बाल हैं, और उनके मूछे और उनकी दाढ़ी ब्लैक है और पापा की वाइट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी रिक्रिएटेड पिक्चर। अच्छी लगी ना? मेरे को भी बहुत पसंद आई है। और अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो, जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, बड़ी मेहनत से रिक्रिएट करे हैं सारे पिक्चर्स। तो हमारी जो दूसरी पिक्चर है वो है ये, इसमें उन्होंने बाल बिखरे हुए करके रखे हुए हैं और चश्मे को अपने नाक के पास लगाया हुआ है, ठीक है, और बड़ी प्यारी लग रही है, क्यूट सी। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं भी थोड़ा सा वैसी दिखूं, बट ठीक है, जैसी भी है, देखते हैं हमारी रिक्रिएटेड पिक्चर। बालों को थोड़ा सा आगे किया हुआ है और हाथ को अपने गालों के पास ऐसे करके रखा हुआ है और बड़ी मस्त लग रही है वो उसमें। तो मैंने कोशिश करी है रिक्रिएट करने की, तो देखते हैं रिक्रिएटेड पिक्चर। ओके, तो जो हमारी लास्ट पिक्चर है वो है ये, इसमें उन्होंने अपने चश्मे को दांतों से दबाया हुआ है और उनके एक्सप्रेशंस आह। तो मैंने भी सोचा कि चलो अब रिक्रिएट करके देखते हैं, मैंने भी कोशिश करी है, तो चलिए देखते हैं हमारी रिक्रिएटेड पिक्चर। वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हाँ मैंने कोशिश करी है कुछ कुछ उनके जैसा रिक्रिएट करने की पिक्चर्स, बट उतना अच्छा अगर नहीं भी कर पाई हूँ तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अच्छा लगा आपको, सबसे ज़्यादा कौन सी पिक आपको पसंद आई है। मेरी तो फेवरेट थी जो मैंने पापा के साथ क्लिक करी वो। और ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी है वीडियो बनाने में। सीरियसली मैंने एडिट करने में कुछ मेहनत करी है क्योंकि उनके जैसे सेम क्लोथ्स नहीं थे मेरे पास और बैकग्राउंड नहीं था, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है रिक्रिएट करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, रिक्रिएटेड पिक्चर्स पसंद आते हैं, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा।
और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू.